हेलो दोस्तों, आरबीएससी 12th क्लास हिंदी कंपलसरी 8 अप्रैल 2022 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाले हैं। और जितने भी पिछले एग्जाम्स पेपर हुए, चाहे वो फिजिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स के पेपर हो, यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी सॉल्व करवाए जाते हैं उन्हीं में से यहाँ पर आपको हुबहू एग्जाम पेपर में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 8 अप्रैल 2022 का जितना इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पत्र की योजना, यानी सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, पहले योजना बनाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है। मैं आपको पूरा यहां पर पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले यहां पर समझ सकते हैं आपके 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। अब एग्जाम का पैटर्न एग्जैक्ट में क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं 15 नंबर के आपके पैसेज हो जाएंगे, यानी जो गद्यांश आएंगे, ठीक है, गद्यांश एवं पद्यांश दोनों मिलाकर लगभग जो है आपके कितने आने वाले, 20 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न पत्र जो है, यानी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट में जो है 12 प्रश्न, ठीक है, लगभग 12 प्रश्न कितने आएंगे, 12 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और यहाँ पर रिक्त जो प्रश्न है वो 6 प्रश्न आएंगे, यानी जो फिल ब्लैंक वाले जो प्रश्न है वो कितने आएंगे यहाँ पर। अति लघुतरात्मक प्रश्न 11 आएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न कितने आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 आएंगे और दिग्र उत्तरीय यहां पर आप देख सकते हो निबंधात्मक 4-4 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार का यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर संभावित समय भी दिया गया है, यानी इस टाइम में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इस टाइम में ये क्वेश्चंस करने हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट भी यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अब मैं यहां पर आप देख सकते हैं निबंध आएगा आपके, क्या आएगा, निबंध भी आएगा जो कि 5 नंबर का रहने वाला है और सिर्फ जो गद्यांश आएंगे वो आपके यहां पर आप देख सकते हैं 12 नंबर का रहेगा। एक आपको पत्र याद करना होगा जो 4 नंबर का है, व्यवहारिक जो व्याकरण है, यानी व्याकरण संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसके जो अंक है वो कितना आएंगे, 7, जो 8 अंक की व्याकरण रहने वाली है। तो आपको व्याकरण में जो है ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। बाकी ये पुस्तक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वितान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप आरओ वाली जो पुस्तक है उनके सभी जो लेसन है वो अच्छी तरह से कंफर्म करना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम पैटर्न की योजना बता दी है। अब हम बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न के पेपर की ओर, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस पेपर के लिए पूरा का पूरा क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहां पर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। अब यहां पर हम बढ़ेंगे किस प्रकार से पेपर आएगा, ठीक है, ये जो है एक बेस्ट मॉडल पेपर है, यही हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं उसका सबसे पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। आपको ध्यान पूर्वक एक बार जो है क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा बहुत उस गद्यांश को समझना है और जो भी नीचे दिए गए जो आंसर जो क्वेश्चंस है उनको आपको जो है आंसर देना है। और जितने भी गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपके लिए काफी जो है सिंपल रह जाएगा उनको सॉल्व करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि गद्यांश का जो टाइटल है, जो उचित जो शीर्षक है, प्रॉपर जो टाइटल है वो क्या रहेगा। तो आपको इसमें से क्या है, तो यहाँ पर तुलसी काव्य की भी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, राम काव्य और केशव काव्य तीनों का ही जो है जिक्र किया गया है। तो उपयुक्त सभी क्या हो सकता है, इसका जो है शीर्षक हो सकता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वहां पर आपको द लिखना होगा, यानी जो दिया गया है ऑप्शंस वाला जो है, जो ऑप्शंस है वो ही दिया, आपको द इसका सही आंसर लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका आंसर तो आपको पैसेज में ही मिलेगा, यानी गद्यांश में ही मिलेगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से मैंने इसलिए बोला है कि एक बार पहले ही इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर पहले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं रामचरित रामायण का संकेत मिलता है परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, यानी कॉपी, ठीक है। रामचरित जो रामायण वाला है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहां पर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रामचरित रामायण, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं, तो ये भी इसका जो है सही आंसर कहां पर मिलेगा, आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, कौन कवि नहीं है, तुलसीदास नहीं है, केशव नहीं है, सूरदास नहीं है, हरदयारामा नहीं है, तो ये भी इसका भी आपको आंसर जो है इसी
ट्वेल्थ हिंदी कंपलसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट यानी rjstudymonitor.com को विजिट करना है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर अभी अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है विद सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ड्रैग करते हुए नीचे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी कंपलसरी के ये तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक है विद सॉल्यूशंस और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आ डाउनलोड मॉडल पेपर 2022 यानी ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मैटर नीचे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से विजिट कीजिए, इन सभी को डाउनलोड करें। पैसेज में मिलेगा यानी इसी गद्यांश में मिलेगा, तो आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एक गद्यांश, ठीक है, ये भी एक जो है पद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें भी आपको यहाँ ये अंतिम जब ध्यान में देखते शरण युगल, आपको अच्छी तरह से इस पद्यांश को पढ़ना है और फिर इसको समझना भी है, अच्छे तरीके से इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर इनके जितने भी आंसर आ रहे हैं आपको देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलंकार भी पूछा गया है, तो अलंकार का तो आंसर यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर नील कमल, ठीक है, नील कमल इसका जो है अलंकार कौन सा होगा, उपमा, क्या है, उपमा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नयन शब्द के जो पर्यायवाची है, नयन यानी नेत्र आंख जो ये जो है इनके जो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, नेत्र आंख, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इस प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो मिलेंगे मतलब जो भी ब्लैंक वाला है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इसी प्रकार का एग्जाम पेपर में आपको ये का ये जो है आपको मिलेगा, ठीक है, इसी प्रकार का पेपर मिलेगा आपको, बस थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेंड करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे 12th जो हिंदी अनिवार्य जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मेरे जो है यहाँ पर 100 में से मैं आपको टोटली बता रहा हूँ यहाँ पर 92 मार्क्स है, ठीक है, मेरे 92 मार्क्स है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको लिखने का तरीका बहुत ही मायने रखेगा आपके स्कोरिंग को बढ़ाने में, आप जितना हो अच्छी तरीके से शॉर्ट आंसर देना है, सटीक आंसर लिखना है, ज़्यादा घुमाकर उस आंसर को देने की कोशिश नहीं करें। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में कौन सी सबशक्ति है, तो दो प्रकार की सबशक्ति होती है, ठीक है, तो समझना बहुत ही जरूरी है, लक्षणा है या फिर अभिधा है, इसमें कौन सी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी होगी, मेरा घर गंगा पर है तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी, लक्षणा नहीं होगी, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से कंफर्म करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं निज रोदन में रोग लिए फिरता हूँ उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बिसारी उक्त काव्य पंक्ति में भ्र वर्ण की के कारण अलंकार है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कंफर्म बोल रहा हूं यहां पर अच्छे तरीके से आपको, यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस बैंक भी प्रोवाइड करवा लूंगा, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं दो यहां पर कंफर्म है कि दो आपको इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे, यानी दो आपको इंग्लिश की स्पेलिंग मिलेंगी जिसका आपको हिंदी अर्थ जान देना आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन, एक तो दोस्तों शब्द होता है एप्लीकेशन, कौन सा शब्द होता है एप्लीकेशन होता है, एक होता है एप्लीकेंट, कौन सा होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेंट कौन सा होता है एप्लीकेंट, एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन, हिंदी में बोला जाए तो आवेदन, तो यहां पर क्या होगा आवेदक होगा, क्या होगा आवेदक, एप्लीकेंट यानी आवेदक, आवेदक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्यूज करना यानी आरोपित करना, एक्यूज करना आरोपित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं संक्षेप, ठीक है, संक्षेप, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, इसके लिए पारिभाषिक शब्द लिखना है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एब्रीविएशन इसका सही आंसर हो जाएगा, एब्रीविएशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, संक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एब्रीविएशन बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था, फीसर लेखन क्या है, ये जो पत्रकारिता वाला जो लेसन है उनसे पूछा गया है। किशनदा की कौन सी सभी यशोधर बाबू के मन में वसी हुई थी, ठीक है, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी
सुसंजिया कहते थे। इस प्रकार से ये लेसन्स है जो कि आरओ वितान जो बुक है उनमें से पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक का या तो आपको लेखक परिचय के बारे में पूछ सकते हैं, जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ इनके बारे में जरूर पूछ सकते हैं, और किन्हीं की जो है रचनाएँ आप इम्पोर्टेंट इनको हिंट दे सकते हैं, या तो आप जो है गद्यांश वाले जितने भी लेसन्स हैं उनके आप या तो लेखक के अच्छे तरीके से रट लीजिए लेखकों का जो जीवन परिचय है, या फिर पद्यांश की जो जितने भी कवि है उनके आप जो है जीवन परिचय रट सकते हो। तो एक को आपको रटना बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न में जो है प्रिंट माध्यमों की कोई दो कमियां को समझाइए। अब आपको हिंदी में लिखने का तरीका जितना आपका बेस्ट होगा, जितना आप अच्छे सटीक तरीके से आंसर दे सकते हो उतने आपके ना जो नंबर है मार्किंग है वो आपकी अच्छी रहेंगी। बाकी आपको उत्तर आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बात करें इसी प्रश्न की कि प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाइए, ठीक है, समझाना है, लिखना नहीं है, दो कमियों को सिर्फ और सिर्फ लिखना नहीं है, समझाइए मतलब उसको आपको लिखना है, समझा कर लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाइए। अब इसके लिखने का तरीका हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, लेकिन सटीक आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, सटीक आंसर इसका क्या होगा, जो आंसर है वो आपको सटीक आपको लिखना है। जैसे प्रिंट माध्यम की कोई दो कमियां हैं तो यहाँ पर क्या क्या कमियां हो सकती है वो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए तो आप पॉइंट वाइज भी इनका जो है आंसर दे सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जितना आप अच्छे तरीके से शॉर्ट आंसर देंगे, जितना आप स्वीट आंसर देंगे उतने आपके जो है नंबर अच्छे आने वाले हैं। आपको ज़्यादा जो है ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक रामायण की तरह आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेज को आपको फिल करने से मतलब नहीं है, अच्छे तरीके से जितना आप सटीक आंसर देंगे क्वेश्चंस का उतने आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। मैं आपको आप इसके लिए जो बोर्ड एग्जाम्स के जो मेरिट स्टूडेंट है उनकी कॉपियां भी आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आंसर देना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, शेयर स्वीकार है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो अच्छी तरह से आपको अपना मतलब से क्या करनी है, समीक्षा भी करनी है। तो ये इनके आंसर बहुत ही सोच समझ कर आपको देने हैं, लिखने हैं अच्छी तरीके से लिखना है, जिससे आपके मार्क्स काफी अच्छे आ सके, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर जितने भी हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बता भी दिया था शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय या फिर महादेवी वर्मा का लेखक परिचय। अब यहां पर बात आई या तो फिर आप एक जो जितने भी लेखक हैं या जितने भी कवि हैं उनका परिचय याद कर सकते हैं, या फिर जितने भी लेखक हैं उनके लेखक परिचय याद कर सकते हैं। दोनों में से एक करना बहुत ज़रूरी होगा, दोनों नहीं करने हैं आपको, एक करेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सब प्रसंग जो व्याख्या करनी बहुत ही ज़रूरी है, सब प्रसंग व्याख्या करनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या है संदर्भ, सबसे पहले तो आएगा प्रसंग, आपको सबसे पहले तो प्रसंग लिखना है कि ये जो पद्यांश है वो किस से लिया गया है, इनके कौन जो कंपोज किसके द्वारा किया गया है। फिर आपको लिखना होगा इसका संदर्भ, क्या लिखना है संदर्भ यानी इसका जो भी भावार्थ है वो। फिर आपको यहाँ पर लिखनी है इसकी व्याख्या। तो इन तीन चरणों में जो है यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए इसको पूरा करना है। यानी आप प्रसंग लिखना भी बहुत जरूरी है, संदर्भ लिखना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रसंग नहीं लिखते हैं लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। वैसे मार्किंग संदर्भ और व्याख्या की है लेकिन प्रसंग लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2+4 से हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर अथवा में दिया गया तो कोई भी एक आप कर सकते। उसी प्रकार से गद्यांश में भी आपको अच्छे तरीके से सप्रसंग व्याख्या करनी है, प्रसंग संदर्भ व्याख्या, ठीक है, तीन शरण में आपको अच्छे तरीके से लिखना है, जितना आप अच्छे से समझा सको, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाना है। देखो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने का अर्थ है अपने शब्दों में समझाना, यानी ये जो पद्यांश दिया गया, जो गद्यांश दिया गया है ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब हिंदी में ही तो आपको ऐसा का ऐसा तो लिखना है नहीं, अपने भाषाओं में यानी सरल भाषा में आपको समझाना है, अपना जो भी अपने तरीके से अपनी भाषा सरल भाषा का उपयोग करते हुए आपको पूरी व्याख्या करनी है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था या तो निविंदा या फिर पत्र लेख, ठीक है, ये जरूर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या फिर जो है एक विज्ञप्ति तैयार करने को आपको जो है कहा जा सकता है इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो एक ही है। निविंदा यहाँ पर तैयार करने का आ सकता है तो अथवा में आएगा तो सिंपल है, आप अच्छे तरीके से दोनों में से एक जो है आप चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध लिखने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन टॉपिक अब की बार रहने वाला है वो है वैश्विक महामारी के दौरान
ऑनलाइन शिक्षण, ये काफी ट्रेंड है और आ सकता है 100% आपके यही निबंध आ सकता है। मुझे तो पूरी 90% संभावना यही लग रही है कि यही जो है ऐसे यानी यही निबंध आने वाला है। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण भी आ सकता है, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें ये भी आ सकता है। ये भी क्या है, एक ट्रेंड सी है, ठीक है, इसके 70% चांस मैं मान सकता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखने का तरीका, चाहे किसी भी टॉपिक पर आओ, मायने नहीं रखता कि कौन सा टॉपिक क्या है, लेकिन जो भी आपको दे उस पर अपना मतलब भी अच्छे तरीके से समझाना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना, अच्छे तरीके से प्रस्तावना लिखनी है, और लास्ट में उपचार, ये अच्छे तरीके से आपको लिखना है। बाकी जो भी आप पॉइंट अच्छे से बना सके, यानी पॉइंट्स अच्छे अच्छे बनाकर उसमें जो भी अपना मतलब ये दे सके वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। 300 शब्द सीमा होनी चाहिए और आप तो आपके पूरे में से पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको तरीका भी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो ये थे हिंदी का एग्जाम पैटर्न था। आगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर जो है सॉल्व करवाएंगे, आपको तरीका भी बताएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।